सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल वेज चैनल। तो ये है एपिसोड 3 हिस्टोरिकल टेक का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एटम बॉम्ब की, कि एटम बॉम्ब कैसे बना दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार, जो आज कल सबसे ज़्यादा जो है दुनिया में यूज़ होते हैं। वर्ल्ड वॉर के डराए जाते हैं कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है तो एटम बॉम्ब चुटकी में सब ख़त्म कर देगा। तो ये एटम बॉम्ब कैसे बना, इसकी हिस्ट्री क्या है एटम बॉम्ब की, और कैसे ये जो है ये दुनिया में आज यूज़ हुआ। आज पूरी दुनिया के अंदर 21,800 एटम बॉम्ब हैं। अगर वो एक साथ फट जाए ना तो इस पूरी दुनिया जो है ये पूरी की पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है, एक एक आदमी नहीं बचेगा इस पूरी दुनिया में। तो आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस पूरी दुनिया में इतना खतरनाक हथियार बनाने वाला कौन था, और कौन इतना बेरहम था जिसने ये हथियार बनाया, और क्यों ये यूज़ हुआ, और क्या सारी बातें आज इस वीडियो में आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके जाने, और एंटरटेनमेंट भी होगा आपका। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये बात है 1939 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। जर्मनी से, यूएसए से, जापान से, सबसे जो है ये वर्ल्ड वॉर जो है पूरी दुनिया में चल रही थी, जिसका नाम दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में, जब जर्मनी में जो है आतंक मचा रखा था। एडोल्फ हिटलर ने वो जो है तैयारी करने लगा एटम बॉम्ब बनाने की, लेकिन यूएसए को पता लग गया कि जर्मनी में अगर एटम बॉम्ब बन गया ना एक बार, तो एडोल्फ हिटलर जो है पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपना राज करने के लिए एडोल्फ हिटलर पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो ये बात जब पता लगी, रूज़वेल्ट फ्रैंकलिन जब उसके उस समय के जो थे प्रधानमंत्री, उनको पता लगी, तो जब उन्होंने काम शुरू करवा दिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसका नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम तो दिया गया, लेकिन ये था असलियत में एटम बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट, जिसमें जो है दुनिया के सबसे खतरनाक साइंटिस्ट, जो 6 नोबेल प्राइज जीत चुके थे ना दुनिया के साइंटिस्ट, जिसमें आ गए आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, लियो जार्डो जिन्होंने जो है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन किस तरह होता है, अगर एक बार शुरू हो जाए तो उस चीज़ को कोई भी नहीं रोक सकता। तभी तो कहते हैं एटम बॉम्ब अगर एक बार फटने लग जाए ना, तो जब तक वो पूरा चेन रिएक्शन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो रुकता नहीं है, और उसकी चाहे कितनी तबाही हो जाए कोई नहीं जानता कितनी तबाही होगी। तो जब ये 1993 में जो है ये थ्योरी जो है लियो जार्डो ने जब रूज़वेल्ट फ्रैंकलिन को ये दी, कि हमने जो है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को हमने सक्सेसफुली जो है समझ लिया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के भी उसके ऊपर साइन कराए गए, तो फिर जो है 1939 में जो है बॉम्ब बनाने का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। फिर इसका नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसका जो है जो ये जगह ढूंढ रहे थे अमेरिका में बनाने के लिए, ताकि हम जर्मनी से पहले बना लें, क्योंकि जर्मनी ने जो था ना एटम को पूरा का पूरा अंदर से खोल के देख लिया था कि एटम के अंदर क्या क्या होता है असलियत में। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो आज हमें पता लगा है, वो जर्मनी ने सबसे पहले देख लिया था। तो यूएसए घबरा गया था कि अगर इन्होंने एटम बॉम्ब पहले बना लिया ना, तो ये एडोल्फ हिटलर जो है पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। तो जो है फ्रैंकलिन ने प्रस्ताव जारी किया कि एटम बॉम्ब बनाने के लिए हमें दुनिया के कहीं से भी साइंटिस्ट लाने पड़े, और हमें लाएंगे, और ये जो है प्रोजेक्ट 1939 में शुरू हो चुका था। यहाँ पर इसकी जो जगह देखी गई थी वो लॉस एलमास में देखी गई थी। लॉस एलमास जो एक यूएसए में जगह है, वो जो है वहाँ पर एटम बॉम्ब का प्रोजेक्ट चल रहा था, नाम से मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से। और यहाँ पर जो है एक ग्रूव्स करके मिलिट्री के लोग था, जो है उसको जनरल बना दिया गया इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का, कि आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे और आप इस प्रोजेक्ट को पूरे के पूरे लोगों को रिक्रूट करेंगे, साइंटिस्ट लाएंगे, जहाँ पर पूरी दुनिया के 6 नोबेल प्राइज जीते हुए साइंटिस्ट काम कर रहे थे इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। और जहाँ पर ये काम कर रहे थे ना, तो यहाँ पर इतनी रेडिएशंस थी कि इसके आसपास जितने भी लोग आते थे ना, उनके अंदर मतलब रेडिएशंस समझ रहे हो, एक्सरेज, गामा रेज, बीटा रेज, एक्सरे, सही समझे, जो एक्सरे आप करवाने जाते हैं ना, जो आप एक्सरेज करवाने जाते हैं ना हॉस्पिटल्स पे, ये जो एक्सरे होती हैं बहुत खतरनाक रेज होती हैं। एक दो बार के लिए ठीक है, 2-3 बार के लिए ठीक है, अगर आपकी 20,000 एक्सरे एक साथ हो जाए, अगर आपका एक्सरे 20,000 बार एक साथ हो जाए ना, तो आपकी छन्नी कर देगा पूरे का पूरे शरीर को। तो जब ये प्रोजेक्ट जो है ये चल रहा था, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्सरेज, गामा रेज एंड बीटा रेज निकल रही थी, कि वहाँ पर साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्रोटॉन के साथ, उसको जो है अगर एक ऐसा एलिमेंट बना दिया था उन्होंने प्रोटॉन, जिसको अगर हम जो है एक चेंबर में बंद करेंगे ना,
चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और उससे इतनी ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगी जो एक पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकती हैं। तो यहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट मर भी गए थे, बहुत से साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हुए मरने लगे थे, तो उनको चिंता होने लग गई। फ्रैंकलिन ने बोला कि जल्दी से जल्दी इसकी टेस्टिंग शुरू कराओ ताकि जर्मनी जो है हमसे पहले ना एटम बम बना के तबाह कर दे पूरी दुनिया को, कि वो हमसे पहले अगर एडोल्फ हिटलर ने एक बार, क्योंकि संकेत एडोल्फ हिटलर जो था एक बार अगर उन्होंने एटम बम बना लिया, वहाँ पर जर्मनी में काम कर रहे थे डॉक्टर हाइजेनबर्ग, जिनके बहुत सारे प्रिंसिपल, वो भी बहुत माने हुए साइंटिस्ट थे डॉक्टर हाइजेनबर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है पूरी इनकी गुत्थम गुत्थी चल रही थी। यहाँ पर जो है अमेरिका सोच रहा था कि हम पहले एटम बम बनाएंगे, यहाँ पर जर्मनी सोच रहा था कि हम पहले एटम बम बनाएंगे। यहाँ पर जब यूएसए बना रहा था एटम बम, इतनी रेडिएशंस निकल रही थी, उनकी खुद की आर्मी जो है वो अफेक्ट होने लग गई थी उस रेडिएशन से, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डॉक्टर्स, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी इसकी जो है पहली टेस्टिंग जो है वो शुरू करी। और पहली टेस्टिंग में जब वो बम बना के लेके गए एक रेगिस्तान के अंदर चलाने के लिए उसको, तो बहुत सारे साइंटिस्ट गए थे ग्रुप में, बहुत सारे साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये जो है ये बॉम्ब नहीं चलेगा, और कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये बॉम्ब चलेगा और इतनी तबाही मचाएगा कि इसको शायद हम कंट्रोल भी ना कर पाएं। वो जो साइंटिस्ट थे पता है कितने किलोमीटर दूर थे उस साइट से जहाँ पर वो बॉम्ब जो है वो चल रहा था, टेस्टिंग हो रही थी, पूरे के पूरे 50 किलोमीटर दूर थे वो, 50 किलोमीटर दूर से वो ये सब चीज़ें देख रहे थे ये जब वो बॉम्ब चल रहा था। और जब वो बॉम्ब पहली बार टेस्ट हुआ, इतनी तबाही मचाई, बूम, इतना तबाही, उसके आसपास के 16 किलोमीटर तक पूरा एरिया अफेक्ट हो गया था। और वो इतनी दूर खड़े थे 50 किलोमीटर तक, वहाँ तक उनके पास रेडिएशंस आई और एकदम जैसे होते हैं ना भूकंप आया, एकदम हवा का झोंका आया, इस तरीके से उनको अफेक्ट हुआ। और जब साइंटिस्ट से पहली जो है प्रेसिडेंट ने पूछा कैसा रहा, तो साइंटिस्ट ने क्या बोला पता है आपको? कुछ साइंटिस्ट रो रहे थे कि ये पूरी दुनिया का हमने क्या बना दिया, पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है और कितनी जाने लेगा हमें नहीं पता कितनी जाने लेगा। तो साइंटिस्ट ने रोते रोते बोला कि ये जो हमने बॉम्ब बनाया है, ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा सूरज जो है ना हमने अर्थ पे ले आए हो, पूरा का पूरा सूरज, और वो सूरज इतना तगड़ा था, वो बॉम्ब ऐसा था कि पूरा का पूरा सूरज यहाँ पर आ गया और मशरूम की तरह फूट रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी 16 किलोमीटर के अंदर जितनी भी पेड़ पौधे सब खत्म हो चुके थे। तो यहाँ पर आते आ चुका था 1942 में, यहाँ पर एडोल्फ हिटलर जो है यहाँ पर पूरा का पूरा लगा हुआ था सब। तो जैसे ही यहाँ पर पता लगा कि यहाँ पर हाइजेनबर्ग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जर्मनी के हाइजेनबर्ग जो बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट थे, यूएसए को पता लगने वाला था कि अब ये बनाने वाले हैं, तो जैसे ही यूएसए को पता लगा तो उन्होंने मारने के लिए हाइजेनबर्ग को यहाँ से अपनी मिलिट्री भेजी कि अगर जरा से भी भनक हो कि आइटम बॉम्ब पे काम कर रहे हैं तो हाइजेनबर्ग को मार देना। लेकिन वहाँ पे हाइजेनबर्ग बच गए, क्योंकि वो इतनी खुफिया तरीके से काम हो रहा था कि हाइजेनबर्ग ने कुछ पता नहीं लगने दिया कि हम ऐसे एटम बॉम्ब पे काम कर रहे हैं। तो आते 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 जर्मनी ने भी एटम बॉम्ब जो है वो बना ही लिया था, पर पूरी तरह जो है वो सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन 1945 में जो है पूरी तरह यूएसए ने एटम बॉम्ब बना लिया पूरे के पूरे 6 साल के बाद, ठीक है। तो यहां पर ये अब एटम बॉम्ब था, अब आ गई इसकी टेस्टिंग की बारी। अब इसको कहां पे टेस्ट करें? यहां पर अमेरिका के ऊपर हमला हो रहा था जापान की तरफ से, पॉल हार्बर पे जापान ने बम ही बम गिरा दिए थे अपने एयरप्लेन से, और जापान जो है अमेरिका सोच रहा था कि अब जर्मनी को तबाह करें या जापान को तबाह करें, कहां पर इसकी टेस्टिंग हो, पहली रियल टेस्टिंग। तो यहां पर जर्मनी में जब वो टेस्ट करने गए तो पता लगा कि जर्मनी में जो है एडोल्फ हिटलर 7 मई को जो है वो अपना सरेंडर कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एडोल्फ हिटलर जो है सरेंडर कर चुके थे 1945 में, पता लगा कि जर्मनी जो है वो लड़ाई हार चुका है और सबने जो है एडोल्फ हिटलर 7 अप्रैल को मर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर जर्मनी का किस्सा हो गया ख़त्म। अब बचा जापान, जो आपने सही सुना बिल्कुल, जापान जो है वो पहले ही अमेरिका पे हमला कर चुका था, पॉल हार्बर ब्रिज पूरा ख़त्म कर चुका था बॉम्ब से। अमेरिका ने पहले जापान को समझाया कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, और जब जापान नहीं माना तो नॉर्मल दिनों की तरह जब B-20 प्लेन अमेरिका ने यहाँ से भेजा एटम बॉम्ब रख के, ठीक है। अब अमेरिका इतना चालाक कि उसने अपने पायलट को भी नहीं बताया कि इसके अंदर इतना खतरनाक बॉम्ब है कि ये पूरी की पूरी जो है शहर को तबाह कर सकता है, पूरे के पूरे जापान को तबाह कर सकता है, इतना खतरनाक बॉम्ब है। जब पायलट लेके उसको B-29 बॉम्ब को लेके, वो सोच रहे जैसे आम दिनों का बॉम्ब होता है, नॉर्मल वैसा बॉम्ब है, B-20 एयरप्लेन्स था, ठीक है। B-20 एयरप्लेन में लेके गए हिरोशिमा के ऊपर, और जब वहाँ पर उन्होंने वो बॉम्ब फेंका, वो बॉम्ब सही भी नहीं गिरा, क्योंकि वहाँ पर धुंध और कोहरे की वजह से वो बॉम्ब पहाड़ों के बीच में जाके गिर गया। और जब उन्होंने एयरप्लेन जो है वो पायलट चला रहा था, उन्होंने जो पूरी टीम ने नीचे देखा कि इतनी तबाही उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी थी, और वहाँ पर जो है लाइव एग्जाम्पल हुआ हिरोशिमा के अंदर कि कितनी जो है ह्यूमैनिटी की तबाही हुई। फिर उसके बाद
जब B-29 एयरप्लेन के पायलट से पूछा गया कि आपको पता था कि आप क्या लेके, हमें कुछ नहीं पता था, पायलट ने बोला हमें तो ये तक नहीं पता, हम सोचे थे आम दिन की तरह है, सब जापान में भी सोचे थे आम दिन की तरह बॉम्ब फोड़ेंगे चले जाएंगे, लेकिन जापान को भी नहीं पता था कि क्या हो गया। जापान इससे उभर भी नहीं पाया था कि अमेरिका ने एक और बॉम्ब नागासाकी में दोबारा से बॉम्ब B-29 को लेके नागासाकी के ऊपर, वो बॉम्ब भी नहीं फूटा था सही से, वो बॉम्ब भी अगर एकदम शहर में गिर जाता ना तो जापान पूरा तबाह हो जाता। जापान वो बॉम्ब भी जाके गिरा पानी के अंदर, जहाँ पर पूरी की पूरी तबाह हो गया हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पर जापान ने हार मान ली और 1945 आते आते जापान ख़त्म हो गया। मतलब जापान 1945 में जो है सितंबर 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया कि हम हार चुके हैं, अब ये लड़ाई बंद कर दो, वर्ल्ड वॉर ख़त्म कर दो सारी। तो इस तरीके से अमेरिका ने एटम बॉम्ब बनाया और यहाँ पर इस तरीके से ये जो ये एक्सपेरिमेंट हुए। अगर आपको जो है ये जो है बात देखिए, जब ये जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है ये बात जो है देखा कि यार ये क्या हो गया, ये कितनी खतरनाक बात हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर जब अल्बर्ट आइंस्टाइन से इंटरव्यू लिया गया कि आपको क्या लगता है जो है वर्ल्ड वॉर थ्री जो है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि जिस भी चीज़ से लड़ी जाए लेकिन वर्ल्ड वॉर फोर जो है ना वो डंडों और चाकुओं से लड़ी जाएगी। पूछो क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वॉर थ्री में अगर एटम बॉम्ब का यूज़ हुआ ना तो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी, पूरी की पूरी जो है जितनी भी टेक्नोलॉजी सारी ख़त्म हो जाएंगी, लोगों के पास वर्ल्ड वॉर फोर लड़ने के लिए इतनी उभरेंगे भी नहीं क्योंकि डंडे और चाकू ही बचेंगे वर्ल्ड वॉर फोर लड़ने के लिए। तो यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन पछता रहे थे कि हम उन्होंने क्या बना दिया एटम बॉम्ब और कितनी खतरनाक चीज़ बना दी, उन्होंने साइन ही क्यों करे। तो यहाँ पर ये थी इंटरेस्टिंग वीडियो, अगर आपको कुछ भी एंटरटेनमेंट या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एपिसोड 4 मिस ना करें, क्योंकि अभी ये सीरीज़ मैंने चालू करी है हिस्टोरिकल टेक। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।